नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की होगी पढ़ाई, कल उपचुनाव के लिए समाप्त होगा चुनाव प्रचार, जॉब कार्ड सत्यापन का विशेष अभियान होगा शुरू, महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में विश्व स्तरीय व्यवस्था, भारत साउथ अफ्रीका मैच के बीच आंधी तूफान की है संभावना। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की होगी पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों को अब कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और इसे पहले चरण में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मिड डे मील योजना के तहत प्रधानाध्यापकों को इस कार्य से मुक्त करने की योजना बनाई गई है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 जिलों में शुरू किया गया है। अगले साल से बच्चों के शैक्षिक किट में 2 अतिरिक्त कॉपियां भी होंगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया है कि दिसंबर तक सभी स्कूलों में नामांकित बच्चों का आधार बनवाया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी की व्यवस्था को हाई स्कूल के बाद निचले वर्गों में भी लागू किया जाएगा। कल उपचुनाव के लिए समाप्त होगा चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा के चुनाव 4 सीटों तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार में अब कुछ ही समय बचे हैं। 11 नवंबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा और 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पिछली बार इन 4 सीटों पर राजद ने 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और भाकपा माले ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस उपचुनाव के बाद अगले साल नवंबर में इन सीटों पर आम चुनाव होंगे। उपचुनाव में 38 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें 5 महिला और 33 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 1 महीने की देरी से आएगा ठंड। पूरे बिहार में इस साल ठंड 1 महीने की देरी से पहुंचेगा। पिछले 5 वर्षों में नवंबर के पहले सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगता, लेकिन इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर से पछुआ हवा चलने लगेगी, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और दिसंबर से ठंड पड़ने की संभावना है। शनिवार को बिहार का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री अधिक था। विभाग के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के अभाव और अक्टूबर में आए तूफान के कारण ठंड में देरी हो रही है। 14 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। पथ निर्माण विभाग में आएगी पारदर्शिता। बिहार के पथ निर्माण विभाग ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इंजीनियरों से शपथ पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया है। इंजीनियरों को 2 शपथ पत्र देने होंगे, जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि उनके परिवार के कोई सदस्य या रिश्तेदार उनके कार्य क्षेत्र में ठेकेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित इंजीनियर को उस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा। विभाग ने सभी अभियंताओं को शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर 10 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समीक्षा बैठक में इस कदम को मंजूरी दी थी और इसकी जांच विभागीय स्तर पर की जाएगी। जॉब कार्ड सत्यापन का विशेष अभियान होगा शुरू। सोमवार से बिहार में मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड सत्यापन का विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 11 से 18 नवंबर तक सभी प्रखंडों में सत्यापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सक्रिय मजदूरों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली में शामिल करना है, जिसमें राज्य में अब तक 92.07% मजदूरों का सत्यापन हो चुका है, जबकि राष्ट्रीय औसत 95.65% है। इस अभियान के दौरान मृत या पलायन कर चुके मजदूरों के जॉब कार्ड विलोपित किए जाएंगे और जिनका आधार सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें सही किया जाएगा। साथ ही नए इच्छुक परिवारों का निबंधन भी किया जाएगा और इन्हें जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में होगी विश्व स्तरीय व्यवस्था। राजगीर में पहली बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर तक किया जा रहा है। इसके लिए खेल परिसर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें 33 KV डबल सर्किट लाइन और समर्पित पावर सब स्टेशन शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 4 स्थानों पर कंट्रोल रूम और 24x7 निगरानी की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा मुख्य मार्गों पर नंगे तारों को हटाकर कवर्ड वायर लगाए गए हैं। टूर्नामेंट के दौरान 3 स्रोतों से बिजली की आपूर्ति होगी, जिसमें तकनीकी खराबी के बावजूद आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोजन से राजगीर का नाम एशियाई खेलों के मानचित्र पर चमकेगा और क्षेत्र के खेल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की होगी रैंडम पोस्टिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की करीब 42,921 पोस्टिंग की जानी है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अब ये पोस्टिंग रैंडम होगी और इसके लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से उन स्कूलों की लिस्ट मांगी है जहां इन पदों पर भर्ती होनी है। विभाग ने 2 विकल्पों पर विचार कर रहा है, एक जहां पोस्टिंग सीधे शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी और दूसरा जिसमें चयनित शिक्षकों से आवेदन लेकर उनके विकल्पों के आधार पर पोस्टिंग तय की जाएगी। हालांकि इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग का इंतजार है। इलाज की प्रक्रिया होगी पेपरलेस, पर्ची और दवा के लिए नहीं लगेंगे लाइन। बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया पेपरलेस की जाएगी, जिसमें मरीजों को पर्ची कटवाने और दवा लेने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दिसंबर से ये योजना पूरी तरह से लागू होगी, जिससे मरीजों को आसानी से इलाज मिलेगा। इस योजना में मरीज का एक QR कोड बनाया जाएगा, जिससे वो किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। पहले चरण में 4 जिलों में पेपरलेस सिस्टम लागू किया गया था और अब जुलाई 2024 तक पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की कमी और सर्वर डाउन होना, जिन्हें दिसंबर तक हल करने की योजना है। एक हफ्ते बाद भी धान प्रक्रिया में नहीं आई तेजी, धान में नमी, कटाई में देरी और पैक्स चुनाव बने देरी के कारण। 9 दिनों में केवल 3,526 मेट्रिक टन धान की खरीद हुई है। बिहार में धान खरीद की प्रक्रिया में एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद तेज नहीं हो पा रही है। 19 जिलों में 1 नवंबर से खरीद शुरू हुई है, लेकिन अभी तक केवल 3,526 मेट्रिक टन धान ही खरीदे जा सके हैं। इसका मुख्य कारण धान में नमी, कटाई में देरी और पैक्स चुनाव है। किसानों ने अब तक सीमित मात्रा में ही धान बेचा है, क्योंकि समितियां लक्ष्य निर्धारण के बिना खरीद प्रक्रिया को गति नहीं दे पा रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मॉनसून में देरी के कारण खेतों में नमी बनी हुई है, जिससे कटाई में समय लग रहा है। पैक्स चुनाव की प्रक्रिया भी दिसंबर के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी, जिससे खरीद की रफ्तार धीमी है। IEO को अस्थायी रूप से मिलेंगे फोन और लैपटॉप। बिहार पुलिस के सभी अनुसंधान पदाधिकारियों यानी IEO को अब लैपटॉप और स्मार्टफोन अस्थायी रूप से दिए जाएंगे, जिन्हें वे अपने तबादले के बाद भी अपने पास रख सकेंगे। ये कदम डिजिटल साक्ष्यों की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि अब पुलिस को ऑडियो वीडियो साक्ष्य इकट्ठा करना और ट्रायल के दौरान इनका उपयोग करना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 190 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। लैपटॉप की कीमत लगभग 60,000 रुपए और स्मार्टफोन की कीमत 20,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये सुविधा केवल उन्हीं आयु को मिलेगी जिनकी सेवा पक्की है और जो 55 वर्ष से कम आयु के हैं। स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना हुआ अनिवार्य। बिहार में अब सभी स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि नवंबर दिसंबर तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जाएं। इसके साथ ही जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें जल्दी बनवाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि हर बच्चे को दिए गए होमवर्क और डायरी की जाँच शिक्षकों द्वारा करनी चाहिए और अभिभावकों को इनकी जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा विद्यालयों में संगीत कक्षा का आयोजन भी अनिवार्य किया गया है और प्रधानाध्यापक को इसका समय तय करने की जिम्मेदारी मिली है। अगले साल से बच्चों को हर विषय के लिए अलग अलग कॉपियाँ दी जाएंगी। प्रदेश के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता हुई खराब। बिहार में अभी पूरी तरह से ठंड की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होंगे। राज्य के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, क्योंकि हवा में नमी बढ़ने से धूल कण की मात्रा बढ़ गई है। सिवान का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 234 तक पहुंच गया है, जबकि हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना में भी AQI स्तर चिंताजनक है। मौसम में बदलाव के कारण वायरल फीवर, सर्दी और खांसी के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार बिना चिकित्सक की सलाह के दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। पटना मेट्रो हादसे की जाँच करने पहुंची टीम।
पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी और 7 अन्य घायल हुए थे। ये घटना 28 अक्टूबर की रात पटना विश्वविद्यालय के पास मेट्रो टनल में लोकोमोटिव मशीन के ब्रेक फेल होने से हुई थी। हादसे में 2 मजदूर विजय बेहरा और मनोज बेहरा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि श्याम राम नामक घायल मजदूर की 7 नवम्बर को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के बाद डीएमआरसी की जांच टीम पटना पहुंची और घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड चुनाव प्रचार में नहीं जा सके लालू प्रसाद यादव। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रविवार को झारखंड के कोडरमा में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सके। वे पटना एयरपोर्ट से कोडरमा के लिए उड़ान भरने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे कोडरमा में 10 बजे होने वाली उनकी जनसभा में भाग नहीं ले पाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। इस चुनाव में राजद ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद शामिल हैं। 2019 में राजद को केवल चतरा में जीत मिली थी। मतदान की गिनती 23 नवंबर को होगी। भारत साउथ अफ्रीका मैच के बीच आंधी तूफान की है संभावना। डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I में जीत के बाद भारत अब लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। दोनों टीमें आज गके बहरा में दूसरे T20I में मुकाबला करेंगी। संजू सैमसन के शतक की बदौलत भारत ने पहले मैच में 61 रन से जीत हासिल की, लेकिन अन्य बल्लेबाज रन बनाने में असमर्थ रहे। दूसरे मैच में सभी खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे। मौसम रिपोर्ट के अनुसार गके बहरा में बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। टॉस के समय बारिश की संभावना 49 से 54% है और रात 8 बजे तक 63% तक हो सकती है। पिच रिपोर्ट के अनुसार यहां के बीच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ेगा स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है संजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत कुमार, शशि कुमार, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, बिट्टू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद एहसान, कुंदन, राकेश मिश्रा, छोटू राजा, अनवर करीम खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इलाज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लोगों को कितना फ़ायदा होगा। आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।